हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जनरल नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड 7, लेसन नंबर 7, विच इज इमोर्टल कोर्स। इमोर्टल कोर्स यानी कि ऐसे कुछ अमर थॉट्स, ऐसे कुछ व्यक्तित्व है, यानी कि ऐसे कुछ ग्रेट पर्सन है जिन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से कुछ थॉट्स दिए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हैं, जो आज तक हम उसको याद रखते हैं और उससे इंस्पायर होके हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कुछ इमोर्टल कोर्स के बारे में और वो जो कोर्स है वो जिन ग्रेट पर्सन्स ने दिए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ग्रेट मेन आर रिमेम्बर्ड एवरी इवन टूडे फॉर देयर सेंग्स एंड वाइज वर्ड्स। तो कुछ दुनिया में ऐसे कुछ ग्रेट पर्सन्स हैं जिसको हम आज भी याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसे सेंग्स यानी कि कुछ ऐसा कहा है और कुछ ऐसे वाइज वर्ड्स, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके कुछ ऐसा कहा है हमको, जो हमें हमारे लाइफ में जितने भी गोल्स है, जितने भी अचीवमेंट्स है, उसको अचीव करने के लिए इंस्पायर करते हैं और हमें लाइफ में, अपने लाइफ में कैसे रहना है, कैसे जीना है, उसके लिए हमें इंस्पायर करते। तो देखते हैं। 1. डिस्पाइस डेथ एंड यू हैव कॉन्कर्ड एवरी फियर। कॉन्कर्ड यानी कि टू विन, जीतना, हर डर से जीतना। कैसे जीतना? डिस्पाइस डेथ, डेथ को धिक्कारो, यानी कि डेथ, जो मृत्यु है उसको धिक्कार दो। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई फियर है, डर है, तो वो क्या है? डेथ, मृत्यु का। मृत्यु का डर हर इंसान को होता है, तो उस डर को ही आप मार दो, यानी कि उस डेथ को ही, डेथ के डर से ही आप दूर रहो, उस डर को ही भगा दो, तो आपको दुनिया में किसी का भी डर नहीं लगेगा। तो ये बोला है पब्लियस साइरस, जो इटली के राइटर है, उन्होंने ये बोला है। उसके बाद है 2. एजुकेशन हैज प्रोड्यूस्ड अ वास्ट पॉपुलेशन एबल टू रीड बट अनएबल टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज वर्थ रीडिंग। एजुकेशन जो है हमारी, उन्होंने ऐसी बहुत बड़ी पॉपुलेशन प्रोड्यूस कर दी है जो एबल टू रीड, जो पढ़ने के लिए तो सक्षम हो गई है, लेकिन डिस्टिंग्विश व्हाट इज वर्थ रीडिंग। वर्थ रीडिंग क्या है? यानी कि जो भी हमने पढ़ा है उसका वर्थ, उसका वैल्यू क्या है, उसके बीच में पढ़ना और वैल्यू ऑफ पढ़ना, यानी कि रीडिंग एंड वैल्यू ऑफ रीडिंग, उसके बीच का डिस्टिंग्विश जो है, डिफरेंट है, वो समझाया नहीं है। तो ये बोला है जेम ट्रेवेलियन, जो एक ब्रिटिश के है, रहने वाले ब्रिटेन के रहने वाले हैं, उन्होंने ये कहा है। तो बच्चों, वैसे तो ये हमारे पे भी डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करता है। अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं तो उसका मीनिंग आपको पहले समझ में आना चाहिए। 3. आई नेवर मेट अ मैन आई डिडंट लाइक। जो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है उसको मैं मिलना पसंद नहीं, मैं उसको कभी भी मिलूंगा ही नहीं, ऐसा कहा है विल रोजर्स, जो अमेरिकन एक्टर है। देखो बच्चों, ये है विल रोजर्स। 4. वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। यानी कि हमने हिस्ट्री से ये सीखा है कि हमने हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा है। ये इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ, हिस्ट्री किसके लिए होती है? हिस्ट्री हमें जो पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो गलत काम किए हुए होते हैं, तो उसमें से हमें सीखना होता है कि आगे चलकर हम उसको याद रखें, वो रिपीट ना करें, उसके लिए हिस्ट्री होती है। तो हिस्ट्री में से हमें यही सीखना होता है कि जो हमने पास्ट में गलतियां की है उसको रिपीट ना करें, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको रिपीट करते ही रहते। इसीलिए ये कहा गया है कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। तो ये कहा है जॉर्ज बर्नार्ड शो, जो आयरिश यानी कि आयरलैंड के एक प्ले राइट है, जो एक नाटक लिखते हैं, उन्होंने ये कहा है। 5. द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। दुनिया में कोई भी डर हमें नहीं डरा सकता, एक ही डर, वो हमारे अंदर का जो डर है उसकी वजह से ही हम डरते हैं, उससे ही हम डरते हैं। यानी कि पहले इस थॉट के द्वारा हमें ये बताया गया है कि पहले अपने अंदर के जो, अपने अंदर का जो डर है उसको भगाओ। तो अगर हमारे अंदर का डर ही निकल गया तो हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता।
तो ये बोला है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है वो एक प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उसके बाद है बच्चों, टू मेंटेन अ फॉल्ट नोन इज अ डबल फॉल्ट, यानी कि जो फॉल्ट जो मिस्टेक हमें की है वो हमें पता है और हम उसको मेंटेन करते हैं यानी कि उसको छुपाते हैं, तो ये डबल फॉल्ट बन जाएगा। यानी कि अगर हमने कुछ गलत बोला, इफ वी टेल अ लाई, यानी कि हमने अगर कुछ गलत बोला तो उसके छुपाने के लिए और दूसरा झूठ, उसको छुपाने के लिए और दूसरा झूठ, तो अगर हम ये करेंगे तो ये जो मिस्टेक है वो होती जाएंगी। इसीलिए हमें हमारी गलती को सुधारना चाहिए, नहीं कि उसको मेंटेन करना चाहिए। तो ये है, ये कहा है जॉन ज्वेल ने, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं जॉन ज्वेल। उसके बाद है कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, यानी कि कावर्स यानी कि जो डरपोक लोग हैं वो अपनी डेथ से पहले ही डर डर के कई बार मर चुके होते हैं। बट द वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, जो वेलियंट यानी कि जो बहादुर स्ट्रांग पर्सन होते हैं वो उन्होंने कभी भी डेथ का अनुभव नहीं किया होता है, सिर्फ एक ही बार वो डेथ का अनुभव करते जब वो रियल में मरते हैं तभी उसको डेथ का अनुभव होता है। या इस थॉट के माध्यम से, थ्रू दिस थॉट, जो राइटर है वो कहना चाहते हैं कि हमें डरपोक नहीं, हमें बहादुर बनना चाहिए, वरना अगर हम डर डर के ही रहेंगे तो हर रोज हम मरेंगे। इसीलिए हमें वैलियंट यानी कि बहादुर बनना चाहिए। एक लेट 100 फ्लावर्स ब्लम, यानी कि हजारों फ्लावर्स को ब्लम यानी कि खिलने दो, उसको मत काटो। एंड लेट 1000 स्कूल्स ऑफ थॉट्स कंटेंड, यानी कि जो थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स है यानी कि जो अच्छे अच्छे थॉट्स है उसके लिए दलील करने दो। कंटेंड यानी कि दलील करना, उसका कुछ लॉजिक बताना, ठीक है, उसको होने दो। क्योंकि अगर हम अच्छे अच्छे थॉट्स सीखेंगे तभी हम आगे लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, तो उसको लेट गो मत करो, उससे कुछ सीखो। तो ये कहा है माओ जिगोंग ने ऐसा कहा है। फिर उसके बाद है बच्चों, उसके पहले में जो 7 वाला था उसका मैं आपको कहना भूल गई, सॉरी। जो कावर्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ द वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ वंस, ये बोला है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट है, उन्होंने कई ज्यादा पोएट्स लिखी है और कई ज्यादा उन्होंने राइट्स भी प्लेस भी लिखे है, वो उसके बारे में मैं आपको बताना भूल गई थी, सॉरी। तो उसके बाद वाला जो थॉट है वो बोला है माओ जिगोंग, जो मैं आपको जिडोंग जो मैंने आपको एक बार समझा दिया है, वो चाइना के फॉर्मर चेयरमैन थे। 9 ऑल इज फॉर द बेस्ट इन द बेस्ट ऑफ पॉसिबल वर्ल्ड्स, ये दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, दुनिया में बेस्ट से बेस्ट चीज भी पॉसिबल हम अगर मेहनत करें तो वो पॉसिबल हो सकती है। यानी कि यहाँ पे हार्डवर्क का जो इम्पोर्टेंस है वो बताया गया है। वो बोला है वोल्टायर है वो एक फ्रेंच राइटर है, फ्रांस के रहने वाले थे। उसके बाद है 10 टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, अगर हम कोई भी एक्शन ले तो उसके सामने हमें इक्वल ही रिएक्शन मिलेगा, इक्वल और ऑपोजिट उसके विरुद्ध का ही हमें रिएक्शन मिलेगा। यानी कि हम अगर किसी के साथ बैड बिहेव करें तो सामने से ही वैसा बैड बिहेवियर होगा हमारे साथ। अगर हम अच्छा बिहेव करें किसी के साथ तो सामने वाला पर्सन है वो भी हमारे साथ अच्छा बिहेव करेगा। तो ये कहा है सर आइजेक न्यूटन। देखो बच्चों, ये है सर आइजेक न्यूटन जिन्हें लॉ ऑफ ग्रेविटी भी दिया है। थैंक यू।